अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास टेंथ के जो लोग बच्चे दोबारा इम्तहान देना चाह रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, सप्ली है, नाइन्थ में, टेंथ में, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि उनके लिए जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर है, वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि 20 अगस्त को उनका दोबारा एग्ज़ाम होगा। और वो दोबारा एग्ज़ाम जो है उसके अंदर, जिसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसकी फ़ीस बताई जाएगी आपको इसमें, और उसके साथ साथ कैसे जमा करवानी है फ़ीस। इसकी सिंगल फ़ीस के साथ, सिंगल फ़ीस का मतलब है कि अगर आप 20 तक आप जमा करवाते हैं उसको, 22 जुलाई तक, तो फिर आपकी सिंगल फ़ीस है। अगर 22 जुलाई के बाद जमा करवाएंगे तो फिर आपको उसकी डबल फ़ीस पड़ जाएगी। और अगर उसके बाद 26 जुलाई तक आप जमा करवाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो ट्रिपल फीस हो जाएगी। यानी टाइम बहुत शॉर्ट है, इसको जल्दी आप करके तो जमा करवा सकते हैं। इसको प्रोसेस कैसे करना है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में, नाइन्थ के कोई भी सब्जेक्ट है, टेंथ का कोई भी सब्जेक्ट है, आप दोनों के पेपर इसमें दे सकते हैं। अच्छा, फ़ीस इसकी स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है, 700 रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूट से भेजते हैं, और प्राइवेट के लिए 750 है। इसी तरह से बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस और स्कॉलरशिप फ़ीस, ये डाल डुल के ये दोनों फ़ीसें जो हैं आपने जमा करवानी है, अगर आपने दोनों पेपर देने हैं, यानी नाइन्थ का भी देना है, टेंथ का भी देना है, तो फिर आप दोनों फ़ीस इसमें जमा करवाएंगे। जिस जिस में सप्ली है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा अगर आपने इसको प्रोसीड करना है, यानी अगर किसी एक में है नाइन्थ में सब्जेक्ट में, तो फिर नाइन्थ की फ़ीस ही जमा करवाएंगे। अगर टेंथ में है तो फिर टेंथ की फ़ीस जमा करवाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जमा करवाना है इसको। फ़ीस को जमा करवाने के लिए आपने www.baislahore.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फॉर्म होंगे री अपीयर होने के लिए सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स के, उनको फिल करके, वो ऑनलाइन ही फिल होंगे, आपने फिल करके निकलवा लेना है उस फॉर्म को, और उसके साथ चलान फॉर्म भी निकल आएगा। उस फॉर्म को आपने चलान फॉर्म को जमा करवाना है बैंक में, हबीब बैंक की किसी ब्रांच में जमा करवा दें, और वो जमा करवा के उसके बाद उसको स्लिप को लगाना है उस फॉर्म के साथ। उसकी कॉपी एक अपने पास रख लेनी है, एक जो है उसके साथ लगा देनी है, और उसके बाद आपने वो जब जमा करवा देंगे तो आपको एक जो है वो स्लिप मिल जाएगी कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। आप फॉर्म जमा करवा के उसके बाद आपकी मतलब सेटिस्फेक्शन हो गई है कि फॉर्म जमा हो गया, और ये प्रोसेस है इसको करने के लिए।